Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we're going to talk about all the cricket news and updates जो क्रिकेट की दुनिया में हो रही हैं. इंडियन क्रिकेट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप वीडियो के एंड में जाके लिख सकते हैं. सो एनीवे, सबसे बड़ी न्यूज़ ये है दैट इंडिया टीम जो है अलॉन्ग विद देयर न्यू हेड कोच वो पहुंच गई है श्रीलंका. एंड गौतम गंभीर की तरफ से एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अजीत अगरकर. हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लाइक यू नो सिलेक्शन कोई लोगों की थोड़ी उल्टी पुटी हुई है एंड कैप्टनसी हार्दिक पांड्या की जो कैप्टनसी का क्वेश्चन मार्क था उन चीज़ों में अजीत अगरकर एंड गौतम गंभीर गोलमोल कर गए. लेकिन यू नो मोर और लेस दे आंसर्ड ऑल क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरीली. सो एनी वे टी ट्वेंटी टीम बिकॉज टी ट्वेंटी मैचेस पहले हैं सैटरडे से शुरू हो रहे हैं तो टी ट्वेंटी टीम जो है वो पहुंच चुकी है. सूर्य कुमार यादव हैं, गौतम गंभीर हैं, हार्दिक पांड्या हैं, वो सारी टीम जो है वो श्रीलंका लैंड कर चुकी है कल. एंड सूर्य कुमार यादव इज गोइंग टू लीड, हार्दिक पांड्या इज ऑलरेडी देयर. रिंकू सिंह की काफ़ी इमेजेस आ रही थी सूर्य कुमार यादव के साथ एंड गौतम गंभीर इज वॉकिंग लाइक अ बॉस. तो भाई गौतम गंभीर हमेशा मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सीरियस एक्सप्रेशन रखते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि वो सीरियस एक्सप्रेशन जो है इट्स लाइक अ मास्क कवरिंग अ लॉट ऑफ इमोशंस. तो अंदर से वो कुछ भी फील कर रहे हो, थोड़ी सी एंटिसिपेशन फील कर रहे हो, थोड़ी सी एक्साइटमेंट फील कर रहे हो, थोड़ा सा गुस्सा फील कर रहे हो, बट ऊपर से वो एक मास्क एक्सप्रेशन रखते हैं जिसमें वो काफ़ी सीरियस एंड काफ़ी जस्ट डाउन टू बिजनेस वाला एक्सप्रेशन वो होता है. एनीवे वी आर वेरी वेल यूज्ड टू दैट एक्सप्रेशन फ्रॉम गौतम गंभीर. बड़े सालों से हम देख रहे हैं कि एक ही स्टैटिक एक्सप्रेशन उनका रहता है एंड वेरी रेयरली डज ही डिस्प्ले एनी इमोशंस और अ स्माइल फॉर दैट मैटर. सो एनीवे टीम पहुंच गई है एंड श्रीलंका के कैंप से ये न्यूज़ है कि असलंका जो है वो उस टीम के कैप्टन टी ट्वेंटी आई टीम के कैप्टन होने वाले हैं. वी ऑल नो दैट हसरंगा स्टेप्ड डाउन आफ्टर द टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप डिबैकल. जब बहुत बुरी तरह श्रीलंका टीम की परफॉर्मेंस थी तो भाई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हसरंगा ने एंड ही स्टेप डाउन फ्रॉम कैप्टनसी. सो भाई ये होता है एक अच्छा यू नो प्लेयर जो समझता है कि वो लीड नहीं कर पाया टीम को एंड यू नो इट्स टाइम फॉर हिम टू स्टेप डाउन. नॉट लाइक बाबर आजम जो सालों सालों से उस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हराई जा रहा है फिर भी रिजाइन करने का कोई नाम नहीं ले रहा है. सो एनीवे वेल डन हसरंगा एंड कंग्रेचुलेशंस टू असलंका बिकॉज ही इज गोइंग टू लीड द टी ट्वेंटी साइड विच इज गोइंग टू बी कोच बाय सनत जयसूर्या. एंड इंडिया के साथ जो सीरीज होगी तीन टी ट्वेंटी आई मैचेज हैं, तीन ओडीआई मैचेज हैं, तो असलंका तीन टी ट्वेंटी मैचेज में जो है वो कैप्टन बनेंगे. वैसे टीम में काफ़ी इनके चेंजेस भी हो रहे हैं, परेरा वापस आ गया, डिसिल्वा बाहर चले गए, तो काफ़ी ज़्यादा उलट फेर चल रहा है. बट फाइनली जो है यू नो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन कि कोच एंड कैप्टन दोनों जो है वो अब इनके चेंज हो गए हैं. सो वी विल सी इफ देर इज एनी इम्प्रूवमेंट इन श्रीलंकन परफॉर्मेंस सून. एंड पहले तो वो सिराज से बच ले, बाकी चीज़ें तो बात की है. पहले दे जो टैकल एक्चुअली सिराज का बॉलिंग से ज़्यादा सिराज का जो श्रीलंका के अगेंस्ट मेंटल टेरर बन गया है उस चीज़ को वो टैकल कर ले पहले तो वो उनके लिए बेटर रहेगा. सो एनीवे आज जो है युजविंदर चहल का बर्थडे है. सो इज 34 ईयर्स टुडे, तो हैप्पी बर्थडे टू युजविंदर चहल. तो कुछ मैंने उनके रिकॉर्ड्स निकाले थे जो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थे. सो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट ही इज़ द टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप प्लेयर. हालांकि उन्होंने वर्ल्ड कप विनर वैसे उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला बट स्टिल ही वॉज इन द टीम, ही वॉज इन द स्क्वाड. सो ऑब्वियसली ही इज़ द वर्ल्ड टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप विनर. इसके अलावा इनकी आई पी एल में सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं आज तक के. एंड उसके अलावा भी टी ट्वेंटी आई इंडिया के लिए जो इंटरनेशनल टी ट्वेंटीज होते हैं उसमें भी युजविंदर चहल इज द हाईएस्ट विकेट टेकर. एंड इट्स सो सरप्राइजिंग दैट अभी तक इनको एक भी वर्ल्ड कप गेम नहीं मिली है डिस्पाइट बीइंग द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टी ट्वेंटी आई फॉर्मैट. सो दैट इज लाइक अ शॉकिंग स्टैट यू नो. सो देन ही ऑल्सो हैज फाइव विकेट हॉल्स इन टी ट्वेंटी आईज एंड ओडीआईज. तो टी ट्वेंटी आईज में फाइव विकेट हॉल होना इज अ बिग यू नो अचीवमेंट. सो हैप्पी बर्थडे युजविंदर चहल एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट ईयर अहेड. सो भाई इसके अलावा आईसीसी की मीटिंग चल रही है. कल मैंने सुना है कि चैंपियंस ट्रॉफी का बजट जो है वो पास हो गया. अब वो बजट ये नहीं क्लैरिटी है कि वो बजट हाइब्रिड मॉडल के लिए पास हुआ है या नॉन हाइब्रिड के लिए पास हुआ है, तो अभी ये खबरें नहीं आ रही हैं. बट बजट जो है वो पास हो चुका है आईसीसी की मीटिंग में.
और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूएसए क्रिकेट इज एट द यू नो वर्ज ऑफ सस्पेंशन. तो भाई ये चीज है, बिफोर द वर्ल्ड कप भी चल रही थी यूएसए क्रिकेट में काफी ज्यादा करप्शन चल रही थी. सो दे वर ऑलरेडी थिंकिंग दैट वर्ल्ड कप एक बार हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है शायद ये यूएसए क्रिकेट बोर्ड जो है वो सस्पेंशन मोड में चला जाएगा. एंड अब जो है यूएसए लेग ऑफ द वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़्यादा घोटाले भी हो गए हैं एंड उसमें आईसीसी के कुछ बंदे भी इन्वॉल्व थे जिन्होंने अब रिज़ाइन कर दिया. तो कुछ $20 मिलियन का कुछ यू नो घपला था एंड बिकॉज ऑफ दैट यूएसए क्रिकेट इज़ नाउ अंडर सीवियर थ्रेट ऑफ गेटिंग सस्पेंडेड. तो भाई ये काफ़ी बुरी खबर है यूएसए क्रिकेट. एंड वैसे भी आईसीसी बहुत प्रमोट कर रहा था क्रिकेट इन यूएसए, बोर्ड ही सस्पेंड हो जाएगा तो भाई बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो लग जाएगा. एनीवे आईपीएल की तरफ से कुछ खबरें आ रही हैं. तो आईपीएल की तरफ से सबसे बड़ी खबर ये है दैट राहुल द्रविड़ जो है ही इज़ इन टॉक्स विद राजस्थान रॉयल्स अगेन टू ज्वाइन द रॉयल्स एज अ कोच एज अ मेंटर. तो लेट्स सी इफ दैट मटीरियलाइजेस. कुछ टाइम पहले खबरें आई थी कि वो KKR के साथ इन टॉक्स हैं, फिर खबरें आई वो दिल्ली के साथ टॉक्स है, अब खबरें आई हैं दैट ही इज़ इन टॉक्स विद राजस्थान रॉयल्स. तो भाई द्रविड़ की जो है वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन विनिंग कोच है तो उनकी बड़ी डिमांड है. वैसे हु वुड हैव थॉट 20 इयर्स बैक यू नो व्हेन राहुल द्रविड़ वाज अ प्लेयर दैट T20s में वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताएंगे. बिकॉज द्रविड़ को हम मोस्टली एसोसिएट करते हैं विद टेस्ट मैचेस एंड मैक्सिमम विद ODI मैचेस, नॉट विद T20 मैचेस. सो भाई इट्स लाइक ट्रूली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग टू से दैट राहुल द्रविड़ ने T20 वर्ल्ड कप की टीम को यू नो टूर्नामेंट जिता दिया है. सो एनी वे ही इज इन हाई डिमांड एंड द 3 फ्रेंचाइजीज आर यू नो नेगोशिएटिंग विद हिम फॉर इन ऑर्डर टू फॉर हिम टू ज्वाइन देम. सो लेट्स सी द्रविड़ क्या डिसीजन लेते हैं, अल्टीमेटली वो किस IPL टीम के साथ जाते हैं. और IPL की खबरें ये है दैट मेरे फेवरेट जो है उमरान मलिक, ही इज़ ऑल सेट टू बी रिलीज बाय SRH. तो भाई आप सबको पता होगा कि उमरान मलिक बहुत ज़्यादा स्पीड से बॉलिंग करते हैं. ही इज़ गॉट अ वेरी गुड कंट्रोल, यू नॉट अ गुड कंट्रोल बट ही इज़ गॉट हिज यू नो स्पीड इन चेक. बट उनका लाइन एंड लेंथ एकदम बिगड़ा हुआ है, उनको प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं मिल रही है. इनफैक्ट वो ज़्यादा फैशन में एंड यू नो इंस्टाग्राम में उन चीज़ों में बिजी रहते हैं, ज़्यादा मुझे लगता नहीं वो डोमेस्टिक में प्रैक्टिस भी करते हैं. सो भाई ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है. वैसे तो SRH ने उनको रिटेंशन दी थी लास्ट टाइम अराउंड, लेकिन आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बी रिटेन्ड दिस टाइम. न्यूज़ भी आ रही है दैट वो रिलीज हो जाएंगे. और इतनी पुअर परफॉर्मेंस के बाद किस टीम में उनमें इन्वेस्टमेंट करती है ये थोड़ी सी सोचना पड़ेगा. तो उमरान मलिक का करियर उस तरीके से शेप नहीं हो रहा है जो मुझे कुछ साल पहले एक्सपेक्टेशन थी. सो लेट्स सी हाउ दैट गोस. जो लोग सिर्फ IPL पे डिपेंडेंट रह जाते हैं, अपनी डोमेस्टिक में फोकस नहीं करते हैं, इंटरनेशनल खेलने की कोशिश नहीं करते हैं, फिर वो लोगों का करियर जो है एक दिन जो है फिजल आउट हो जाता है. एंड उमरान मलिक के साथ कुछ ऐसा हो रहा है. आई एम श्योर यू नो ईशान किशन शुड टेक यू नो अ लेसन फ्रॉम दिस एंड जस्ट नॉट फोकस ऑन IPL बट ऑल्सो फोकस ऑन इंटरनेशनल क्रिकेट. सो भाई ये न्यूज़ थी इमरान मलिक की. एंड नाउ सिंगापुर में जो है मैडम टुसार्ड्स का एक वैक्स म्यूजियम है एंड उस वैक्स म्यूजियम में आज जो है विराट कोहली का एक नया स्टैचू अनवेल हुआ है. सो आप लोग जाके ट्विटर में इंस्टाग्राम में वो फोटोज देख सकते हैं. वैसे मैडम टुसार्ड्स जो है वो लंदन में एक वैक्स म्यूजियम है, जो मेन उनकी ब्रांच है वो इंग्लैंड में है एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. इंग्लैंड वाला ब्रांच तो मैंने खुद विजिट किया हुआ है, मैंने देखा हुआ है एंड इट्स रियली रियली नाइस. यू नो डिफरेंट जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉपुलर लोग हैं, हिस्ट्री में जो पॉपुलर फिगर्स थे उनके वहाँ स्टैचूज वैक्स स्टैचूज बने हुए हैं. एंड अब जो इनका जो सिंगापुर वाला ब्रांच है वहाँ विराट कोहली का भी स्टैचू बन गया है. सो कंग्रेचुलेशन येट अगेन फॉर अनदर अचीवमेंट फॉर विराट कोहली. वैसे जून के महीने में विराट कोहली हैज़ बीन दी मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी. तो ये यू नो अचीवमेंट उन्होंने दोबारा से हासिल की है. ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया. तो भाई इसके अलावा जो है ECB इज इन टॉक्स विद IPL फ्रेंचाइजी ओनर्स फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू द 100. तो भाई द 100 एक टूर्नामेंट है, ECB उसे कंट्रोल करती है एंड अब वो चाहती है कि हमारे जो IPL के फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उसमें वो इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो लीग जो है बिगर स्टेज में खिलवाई जा सके. सो भाई लेट्स सी इफ आर IPL गाइज आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द 100. वैसे काफ़ी पॉपुलर है, लोग जो है काफ़ी यू नो इसको फॉलो भी करते हैं. सो लेट्स सी इफ दिस फॉर्मैट गेट्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यू नो द IPL फॉर्मैट. सो एनीवे
मोर और लेस आज की खबरें जो है वो खत्म हो गई है। ज्यादा क्रिकेट की आजकल न्यूज नहीं है, आज थोड़ा बजट पे फोकस था। यू नो तो मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा बजट पे डिस्कशन हो रही है, तो क्रिकेट में थोड़ी सी कम सी न्यूज है। सो एनीवे जितनी न्यूज थी इधर उधर से निकाल के धो के मैंने आपको दे दी है। एंड इसके अलावा अगर और कोई अपडेट्स जब भी होते हैं तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगी। एंड हम रात को आज मिलेंगे लाइव सेशन में। कल मैं थोड़ा बिजी थी सो कल का लाइव सेशन कैंसिल करना पड़ा, बट आज जो है हम लाइव सेशन में आपको मिलेंगे सेम टाइम अराउंड 10:15, जहां हम आपके मैसेजेस लेंगे। गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो पेंडिंग है, आप लोगों के कमेंट्स लेंगे। एंड देन वी सी यू एट अराउंड 10:15 इन द इवनिंग। And do join us then. Tab tak ke liye do like this video, subscribe to the channel, and I'll see you in the live show in the evening. Thank you so much for watching. Take care and have a great day today.